संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। अडानी मुद्दे पर विपक्ष तो राहुल के इस्तीफे पर अड़ी बीजेपी। गतिरोध दूर करने के लिए राज्यसभा के सभापति ने बुलाई बैठक। मानहानि केस में आज सूरत कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। मामले में आज ही फैसला सुना सकती है कोर्ट। 2019 की चुनावी रैली में मोदी सरनेम पर की थी विवादास्पद टिप्पणी। भगोड़ा अमृतपाल अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। तलाश में पंजाब समेत कई राज्यों में पुलिस की दबिश। बाइक के साथ ठेले पर बैठकर भागता दिखा अमृतपाल। उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपियों के खिलाफ आज से फिर बुलडोजर एक्शन। अतीक के शूटर्स और मददगारों पर दो दिन तक चलेगी कार्रवाई। फरार पत्नी शाइस्ता की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने की हाई लेवल बैठक। कोरोना और फ्लू से निपटने की तैयारियों समेत कई पहलुओं पर की समीक्षा। देश के बड़े उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बिरला समेत 106 हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन आज। देश भर में मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। मां के ब्रह्मचारिणी रूप की हो रही है आराधना। रूस और यूक्रेन महायुद्ध पर अमेरिका का बड़ा दावा। कहा नए और बड़े हमले की फिराक में रूस। यूक्रेन के लिए काफी अहम रहेंगे आने वाले कुछ दिन। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी हुई। बात करेंगे बखमूत की। बखमूत में भयानक जंग चल रही है और इस बीच अगले मोर्चे पर पहुंच गए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। वॉर फ्रंट पर पहुंचे ज़ेलेंस्की ने सैनिकों का हौसला बढ़ाया, उन्हें सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने डोनेट्स्क में लोगों से मुलाकात की और बखमूत का भी दौरा किया, जबकि वीडियो के जरिए दावा किया गया है कि यूक्रेन की सेना बखमूत से पीछे हट रही है और पास के गांव में आराम फरमा रही है। वहीं एक और वीडियो सामने आया है जिसमें ये दावा किया गया है कि बखमूत में रूस ने फिर से फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया।